आज जो है हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR, जो मोस्ट कॉमनली हमारा अभी यहाँ पर टॉपिक अभी यूज़ हो रहा है। जैसे आप सुन रहे होंगे कि RT-PCR करा लीजिए, ये करा लीजिए, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता क्या है ये हम देखते हैं, ठीक। अभी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, इसके अंदर में आपका नाम देखिए क्या है, तो नाम से समझ में आएगा। पॉलीमरेज यानी कि यहाँ पर कोई एंजाइम जो क्या कर रहा है, एक ही चीज का पॉलीमर बना रहा है, यानी रिपीटेड यूनिट बना रहा है, ठीक। चेन रिएक्शन मतलब कंटिन्यूसली, एक हुआ फिर कंटिन्यूसली, ये बार बार साइक्लिक पैटर्न में ये रिएक्शन चल रहा है। मेनली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये हम क्यों यूज करते हैं, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज किया जाता है DNA के किसी फ्रैगमेंट का आपको मल्टीपल कॉपी बनानी है तो, ठीक। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक DNA आपको सैंपल मिला है, ठीक है। ये मोस्टली जैसे हम बात करते हैं PCR, तो आपका किसी जीन का एक्सप्रेशन देखना है तो उसके लिए, फॉरेंसिक स्टडीज कर रहे हैं तो उसके लिए है। तो वहां पर आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या है, किसी बॉडी से सैंपल आपने लिया और सैंपल में क्या हुआ, आपको यहाँ पर एक DNA मिला, ठीक। अब इस DNA के अंदर में आप क्या कर रहे हैं, इतने छोटे से सेगमेंट का यहाँ पर इसका फंक्शन देखना है कि ये जो जीन है ये क्या काम करती है, कैसे करती है। तो भाई आप क्या करेंगे, सेल से DNA को निकाले और निकालने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उससे RNA बनाने की प्रोसेस देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए बीच में करते करते क्या हुआ, प्रोसेस गड़बड़ हो गया, तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास फिर से हमें नया सेल में जाना पड़ेगा, सेल से इसको कट करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा, ठीक। तो यहां पर जो है हम क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर में पहले हम जो भी सैंपल है, जो भी जीन है, इस जीन का मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं। मान लीजिए एक स्टेप करते समय अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप जो है वापस करवाने के लिए फिर से हमारे पास जीन अवेलेबल रहेगी, ठीक। तो इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप DNA को लेते हैं। DNA कौन सा लेंगे, तो जो भी रिक्वायर्ड जीन है उस जीन का जिसकी कॉपी बनानी है उसको सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिस भी सेल से आपको चाहिए उस सेल से आप क्या करेंगे, पहले सेल को डिसॉल्व किया, सेल के सारे मटेरियल को अलग किया, सेंट्रीफ्यूगेशन करके पूरा का पूरा आपने क्या किया, DNA के फ्रेगमेंट को निकाल लिया, ठीक। अब DNA के फ्रेगमेंट को निकालने के बाद आप क्या करते हैं, इस DNA फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपने क्या किया, अलग अलग कर लिया। अब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करने के बाद जो आपकी डिजायर्ड जीन है उस जीन वाले DNA को आपने क्या किया, यहां से एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया। अब इस एक्सट्रैक्टेड यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला जो है आपका, उस DNA को आप क्या करते हैं, मिक्सर में ऐड करते हैं। तो जिस DNA की हमें मल्टीपल कॉपी बनानी है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट DNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट DNA। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टेम्पलेट DNA लिया और टेम्पलेट DNA के साथ में हमने यहां पर एक मिक्सर बनाया। यानी अगर आपको DNA का पॉलीमरेज यानी कि आपका यहां पर पॉलीमर्स बनाने हैं, मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर कुछ और भी चीजें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक। तो ये जो है आपकी क्या है, ये रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें चाहिए हैं एक DNA का पॉलीमर बनाने के लिए, ठीक। तो नॉर्मली सेल के अंदर में अगर हम देखते हैं तो सेल के अंदर में एक DNA है और DNA से कॉपी बनाने में यहां पर कौन मदद करता है, तो देखिए DNA का जब रेप्लिकेशन होता है तो DNA के दोनों स्ट्रैंड्स अलग होते हैं। अलग होने के बाद सबसे पहले क्या होता है, एक RNA प्राइमर जुड़ता है। क्या जुड़ता है, RNA प्राइमर जुड़ता है और फिर इस प्राइमर के आगे क्या होता है, DNA पॉलीमरेज एंजाइम, ये आपका एक नया DNA का स्ट्रैंड बनाती है। अब यहां पर DNA का जो है रेप्लिकेशन जो हो रहा है, यानी कि इस DNA के सेगमेंट, यहां पूरा DNA नहीं हो रहा है, छोटे से सेगमेंट की कॉपी बन रही है, ठीक। ये रिक्वायर्ड जीन के DNA की, और वो भी कहां हो रही है, बॉडी के बाहर हो रही है, ठीक। तो बॉडी के बाहर हम करा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, तो यहां पर नेचुरली आपका RNA प्राइमर चाहिए पड़ेगा, ठीक है। ये RNA प्राइमर क्या करेगा, तो देखिए हमने बताया बिना RNA प्राइमर के नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन नहीं होता। क्या है, बिना प्राइमर के आपका यहां पर नया DNA का स्ट्रैंड, यानी कि DNA पॉलीमरेज जो है ये अपना काम कब चालू करता है, जब ये प्राइमर जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये प्राइमर जो है ये क्या होते हैं, तो ये प्राइमर आपका
10 से 15, 25, ठीक है, या 15 से 25 आपका क्या होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या है ये? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं? तो ये जो है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जिसका क्या है, नंबर थोड़ा कम है। ठीक, कम मतलब 15 से 20, 25 जो है, इतने ही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, आरएनए प्राइमर को यूज करते हैं। ठीक, तीसरी चीज, अब यहां पर आरएनए प्राइमर जुड़ गया, तो जुड़ने के बाद अगला जो एंजाइम काम करेगा कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज, जो क्या करता है आपके न्यूक्लियोटाइड को धीरे धीरे जोड़ते जाएगा। ठीक है भाई, आपको डीएनए रेप्लिकेशन करना है, तो रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को यहां जो पुराना डीएनए का फ्रेगमेंट है उसके सामने क्या करना है, लाइन से जोड़ देना। ठीक, तो ये जो जोड़ने का काम है कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। यहां पर स्पेसिफिक टाइप का डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टैक पॉलीमरेज। कौन सा? टैग पॉलीमरेज का यूज किया जाता है। टैग पॉलीमरेज जो है ये क्या है, ये है आपका थर्मोफिलस एक्वाटिकस। ठीक है, ये जो है ये टैग पॉलीमरेज कैसा होता है, ये थर्मोस्टेबल होता है। ठीक, थर्मोस्टेबल मतलब हाई टेम्परेचर में भी क्या होता है, ये आपका काम करता है। नॉर्मली एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के, क्या होते हैं, प्रोटीन से बने हुए आपके क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक, अब जब हम प्रोटीन को हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं, यहां पर टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये प्रोटीन क्या हो जाता है, ये डीनेचर हो जाता है। क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। स्ट्रक्चर बदलने के कारण एंजाइम ठीक से काम नहीं करेगा, और एंजाइम काम नहीं करेगा तो आपका डीएनए जो है ये क्या होगा, बनने का काम नहीं होगा। ठीक, तो भैया यहां पर जो है ये जो पॉलीमर होता है क्या होता है, ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम, ये आपका हाई टेम्परेचर में भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये थर्मोफिलस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से क्या होता है, ऑप्टेन होता है। ये बैक्टीरिया नॉर्मली आपकी ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां टेम्परेचर नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो नॉर्मली जहां टेम्परेचर ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में ये सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइव कर रहे हैं मतलब ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड करके दो सेल बना रहे हैं। ठीक, तो ये जो है आपके दो सेल बना रहे हैं, मतलब डीएनए को रेप्लीकेट करवा रहे होंगे, तभी तो दो सेल बन रही होगी। ठीक, तो डीएनए रेप्लीकेशन कराने वाला एंजाइम इतने टेम्परेचर में काम कर सकता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको यहां से निकाल के इसमें यूज कर लिया। तो पहला चीज, आपने डीएनए टेम्पलेट जिसकी कॉपी बनानी है, दूसरा प्राइमर, क्योंकि बिना प्राइमर के जोड़े आपका आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के जोड़े ये डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, एक डीएनए की लंबी चेन बनाने का काम कर रहा है। अब बार बार आप बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, तो सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है आप सॉल्यूशन जो लेते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर आप क्या करते हैं, इन न्यूक्लियोटाइड को डाल देते हैं। और न्यूक्लियोटाइड भी कैसे होते हैं, तो ये डीऑक्सी नाइट्रोजिनस बेस वाले, यानी कि या तो इसमें आपका एडेनिन होगा, गुआनिन, साइटोसिन या फिर थाइमिन, एजीटीसी। ठीक, तो ये जो क्या है, हाँ, ये एडेनिन डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट या डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में जो न्यूक्लियोटाइड है ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में पड़े होते हैं। ट्राइफॉस्फेट क्यों, क्योंकि देखिए अगर न्यूक्लियोटाइड अगर आप ध्यान से याद करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड जो है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां पर क्या है, एक नाइट्रोजन बेस, ये शुगर और ये फॉस्फेट, ये जो है क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट कितना है, एक ही है, कितने हैं, एक ही फॉस्फेट होता है। तो सर यहां तीन तीन फॉस्फेट क्यों दिया है, तो तीन फॉस्फेट इसलिए दिया है कि जो दो एक्स्ट्रा के फॉस्फेट होते हैं ये क्या होते हैं, एनर्जी बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये जब आपका डीएनए के सामने न्यूक्लियोटाइड आएगा तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, यानी ये दोनों फॉस्फेट क्या होते हैं, निकल जाते हैं, और फॉस्फेट के निकलने के कारण क्या होता है, यहां एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी जो है क्या कर रही है, ये बॉन्ड बनाने में आपका पॉलीमरेज चेन को, यानी कि आपका इलोंगेशन करवाने में मदद कर रही है।
ठीक। तो चौथी चीज जो हमने क्या डाला, ये जो है आपका डीऑक्सी नाइट्रोजिनस बेस, चारों में से कोई सा भी हो सकता है, ट्राइफॉस्फेट को यूज कर रहे हैं। लास्ट एक बफर सॉल्यूशन डाला जाता है, यानी कि ये जो बफर सॉल्यूशन है ये क्या कर रहा है, आयनिक कंसेंट्रेशन को और पीएच को मेंटेन रख रहा है। आयनिक कंसेंट्रेशन और पीएच जो है ये क्या होंगे, जब एप्रोप्रिएट होंगे तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करेंगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट भी आपका ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये जो है पीसीआर टेक्निक में हमने क्या किया, पहले जीन निकाली, टेम्पलेट को इस मिक्सर के साथ ऐड किया, और ये जो आपका मिक्सर जो है ये पीसीआर ट्यूब में आपने क्या किया, इसको इस मिक्सर को ले जाके डाल दिया, ठीक है। ये पीसीआर ट्यूब के अंदर में, मशीन के अंदर में आपने इसको डाल दिया। अब मशीन के अंदर क्या क्या प्रोसीजर होती है, ठीक। तो मशीन के अंदर में आपका यहां पर तीन स्टेप के अंदर में हमारा ये प्रोसेस चलता है, कितने, तीन स्टेप के अंदर में प्रोसीजर चलता है। फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप है आपका यहां पर डीनेचुरेशन, क्या है, डीनेचुरेशन प्रोसेस होता है। अब डीनेचुरेशन मतलब क्या होता है, तो डीनेचुरेशन मतलब होता है हाई टेम्परेचर में बॉन्ड का टूटना। हम नॉर्मली अगर बात करें तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर में बॉन्ड टूटे तो वो क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन कहलाता है। यहां पर जो है हम क्या कर रहे हैं, तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट, डीएनए टेम्पलेट, ठीक। अब ये डीएनए टेम्पलेट में नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या होते हैं, ये डीएनए टेम्पलेट 5-3-3-5- एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस यहां पर पाए जाते हैं, जो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, किसके थ्रू, यहां पर जो है बीच में, इनके बीच में यहां एच बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। अब देखिए नॉर्मली सेल के अंदर क्या है, तो सेल के अंदर डीएनए तो दोनों अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद ये बॉन्ड टूटता है और नया डीएनए बन जाता है। अब सेल के बाहर में इन दोनों को जब तक तोड़ोगे नहीं तो नया स्ट्रैंड कैसे बनेगा, ठीक है। अगर कोई दो लोग आपस में मिलके रह रहे हैं तो उनके बीच में थोड़ा दरार डालना पड़ेगा ना, तब तो तुम्हारी सेटिंग हो पाएगी बीच में आने वाली, समझ रहे हो। हाँ, तो ये जो है ये सेटिंग कराने के लिए जो है हम क्या करते हैं, यहां पर डीनेचुरेशन प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, 90-95 अप्रोक्सीमेटली डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। इतने हाई टेम्परेचर में आपका दोनों की दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था ये क्या हो गया है, ब्रेक हो जाता है। यानी ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, कैसा था, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो था ये डीनेचुरेशन के बाद में क्या हो गया है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हुआ, सिंगल स्ट्रैंडेड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड हट गया तो ये जो है आपका एक स्ट्रैंड हो गया 5-3- वाला, दूसरा स्ट्रैंड जो है 3-5-, ठीक। अब डीनेचुरेशन के बाद में अगला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सेकेंड स्टेप है हमारा एनिलिंग। कौन सा है, एनिलिंग स्टेप है। एनिलिंग के अंदर में क्या होता है, तो एनिलिंग मतलब आपका यहां पर होता है बाइंडिंग, क्या है, तो सेकेंड स्टेप है एनिलिंग, जिसका मतलब होता है यहां पर आप इसको बोल सकते हैं बाइंडिंग, ठीक। तो अभी एनिलिंग किस चीज को बाइंड कर रहे हैं, क्या चीज को जोड़ रहे हैं, तो अभी एनिलिंग जो है आपका होता है ऑफ प्राइमर, प्राइमर दैट इज आरएनए प्राइमर, ठीक। तो अभी ये जो दो स्ट्रैंड हमारे ब्रेक हुए, इन दोनों के अंदर में हमने क्या किया था, पहले प्राइमर डाल के रखा था, ठीक है। तो अब ये प्राइमर जो है ये क्या होते हैं, हमने आपको क्या बताया, ये प्राइमर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, क्या है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ये कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है, तो ये आपका 15-25 न्यूक्लियोटाइड का है, कितना है, 15-25 न्यूक्लियोटाइड। सर ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये होते कैसे हैं, तो ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं। कॉम्प्लीमेंटरी मतलब मान लीजिए डीएनए के सीक्वेंस में आपका क्या है, यहां पर ए ए ए सी जी टी, ये आपका क्या है, सीक्वेंस है, तो ये जो है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस में क्या होगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंटरी होगा। यानी एडिनिन का कॉम्प्लीमेंटरी थाइमिन, थाइमिन थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडिनिन, इस प्रकार से जो भी न्यूक्लियोटाइड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, ये आपके यहां पाए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होते हैं, तभी तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे।
तभी तो बाइंड करेंगे, नहीं तो कोई भी आके किसी के साथ भी जुड़ जाए, नहीं। ये तो रब ने बना दी जोड़ी है कि एडेनिन के साथ हमेशा कौन जुड़ता है, थायमिन जुड़ता है, और साइटोसिन के साथ में हमेशा गुआनिन जुड़ता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यानी कि एक चीज हमें अब समझ में आई कि जब भी आपका कोई डीएनए का जो जीन आप निकाल रहे हो ना, जो सेगमेंट निकाल रहे हो जिसका आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, उसके कुछ सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए। समझ रहे हो? हाँ, सीक्वेंस यानी इनिशियल सीक्वेंस अगर आपको पता होगा तभी आप क्या करोगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर को बाहर से बना के रेडी रखोगे, मार्केट से आप सिंथेसाइज करवा लोगे और उस प्राइमर को आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में ऐड कर पाओगे। पता नहीं है तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, तो प्राइमर जो होते हैं क्या होते हैं, नॉन ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। अब सर ये 15 से 25 है, दो चार का भी कर लेते हैं, दो चार न्यूक्लियोटाइड, 15 न्यूक्लियोटाइड तक इतना बड़ा बड़ा बनाए, ठीक, या फिर 40 50 100 का भी बना लेते हैं और बड़े बड़े। ठीक, तो हम जो है यहां पर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को लिमिटेड ही क्यों रखते हैं, ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा क्यों नहीं करते हैं? देखिए, छोटा सा होगा तो क्या होगा, ये छोटे छोटे सीक्वेंस तो कई जगह रिपीटेड दिखाई देंगे। क्या होंगे? छोटा सा अगर रहा तो रिपीटेड होंगे, और रिपीटेड जैसे आपके यहाँ पर टीटी होता तो ये कई जगह टीटी आपको दिखाई देते हैं, यानी एडेनिन एडेनिन बहुत सारी जगह होता, तो ऐसी जगह में क्या होता है, ये प्राइमर कहीं भी चिपक जाता, बहुत सारे प्राइमर चिपक जाएंगे। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, यहां पर आपका जब आरएनए प्राइमर यहां पर जो है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मीडियम साइज का रखते हैं। ठीक, तो छोटा रखेंगे तो बहुत सारे कहीं भी जुड़ सकता है और आपकी जो है मैकेनिज्म पॉलीमराइजेशन का जो है क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। बड़ा किया तो, हाँ तो बड़ा किया तो इसको चिपकने में काफी समय लगता है, क्या हो जाएगा, इसको बाइंड करने में या बॉन्ड बनाने में क्या हो जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है। इसीलिए हम जो है यहां पर क्या कर रहे हैं, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है डीएनए के, इनको जो है क्या रख रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट में 15 25 10 to 15, ऐसा जो है अलग अलग रेंज दिया हुआ है, हम जो है मान लेते हैं 15 से 20 25 जो है इतना रखते हैं। ठीक, अब यहां पर आप जो है अब क्या करेंगे, तो देखिए पहले आपने दोनों के बीच बॉन्ड तोड़ने के लिए जो है टेम्परेचर कितना रखा था, 90 to 95, कितना रखा, 90 to 95, और जब ये आपका बॉन्ड टूटता है, ठीक है, तो अभी देखिए जिस टेम्परेचर पे क्या बोल रहे हैं, याद रखिएगा, एक टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, वह टेम्परेचर जिसमें क्या हो रहा है, 50% डीएनए डीनेचुरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ 50% डीएनए डीनेचुरेशन जिस टेम्परेचर में होता है वह टेम्परेचर क्या कहलाता है, वह टेम्परेचर है डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, टेम्परेचर एट विच 50% ऑफ डीएनए डीनेचर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहां पर जो है हम क्या करते हैं, इस जगह पे आप जो टेम्परेचर मेंटेन करते हो वो कितना होता है, तो ये लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक, थोड़ा सा क्या किया, इससे कम किया, भाई आपका क्या हुआ, यहां 50 to 70 डिग्री सेल्सियस में ये जो है, हाँ डीएनए मेल्टिंग वाले टेम्परेचर में, जहां पर क्या हो रहा है, बॉन्डिंग आसानी से हो रही है। अब अलग अलग हो गए हैं, अब इसके बाद क्या हो रहा है, आरएनए प्राइमर जुड़ रहा है, तो ध्यान देंगे आरएनए प्राइमर जुड़ना तो है कहां कहां पर हो रहा है, तो देखिए एक ये वाले डैश में और दूसरा यहां पर। आइडियली आप जो है, सॉरी हम जो है डीएनए प्राइमर जो है ये क्या है, तो देखिए डीएनए प्राइमर वहां जुड़ेगा जिस एंड से डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। ठीक, तो अभी देखिए डीएनए पॉलीमरेज की मैं बात करता हूं, तो पॉलीमरेज एंजाइम, कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम, इसके काम करने की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सा है, 5-3 डायरेक्शन में काम करते हैं, यानी पहला एंड जो वो बनाएगा वो कौन सा होगा, 5- में बनाएगा, और दूसरा एंड जो है कौन सा होगा, 3- एंड में आपका यहां पर इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक, तो यहां पर जो है क्या होगा, तो आरएनए प्राइमर भी जो है आपका ये 5-3 डायरेक्शन, 5-3 डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये आपका इस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो आप ये आरएनए प्राइमर बनाओगे ना, वो 3-5 एंड वाले जो आपके न्यूक्लियोटाइड है इनके कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, इस साइड से नहीं बनाना, इधर से बनाओगे तो आपका डीएनए पॉलीमरेज काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका क्या है, हमने आरएनए प्राइमर जो बनाया वो किस डायरेक्शन में था, तो 5-3 डायरेक्शन में था, जो डीएनए टेम्पलेट के 3-5 के एंड से स्टार्ट होकर जुड़ गया। ठीक, हाँ यहां पर जो है आपका क्या है, अब ये
एनिलिंग ऑफ प्राइमर प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्या होता है, तो तीसरा स्टेप जो होता है आपका वो होता है इलोंगेशन। कौन सा है? इलोंगेशन प्रोसेस है। इलोंगेशन मतलब नाम से समझ में आ रहा है ये चेन क्या होगी, अब लंबी होगी। तो एक बार आरएनए प्राइमर जुड़ गया, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में ये डीएनए पॉलीमरेज आपका कौन सा, टेक पॉलीमरेज, कौन सा, टेक पॉलीमरेज जो है ये आके जुड़ जाएगा दोनों स्ट्रैंड में, ठीक। और दोनों स्ट्रैंड में जुड़ने के बाद क्या है, तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड इनके सामने आते जा रहे हैं, जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री आते जाएगा, और ये क्या करेगा, इनके बीच में यहां पर चेन बनाता हुआ आगे खिसकता जाएगा, और ये क्या करेगा, 5-3- डायरेक्शन में आपकी पूरे की पूरी डीएनए की चेन बना देगा, ठीक। तो डीएनए पॉलीमरेज के बनने के बाद में इलोंगेशन प्रोसेस हुआ, और इलोंगेशन के बाद में अब हम देखेंगे तो क्या हुआ है, हमारे सामने अब एक डीएनए और दूसरा जो पहले से था इसके साथ में क्या हुआ, एक नया डीएनए बनके तैयार हो गया। क्या हुआ, नया डीएनए जो है यहां पर प्राइमर है, बाद में प्राइमर को हटा दिया जाता है, प्राइमर जो है क्या होता है, बाद में हटा के वापस डीएनए के ही सीक्वेंस को इसको यहां पर न्यूक्लियोटाइड का ही जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है क्या हुआ, देखिए एक स्ट्रैंड डीएनए का था, अब कितने हो गए, दो स्ट्रैंड। अब अगला तो फिर इन दोनों को क्या करेगा, ले जाएगा, ले जाके फिर से डीनेचुरेशन होगा, प्राइमर जुड़ेगा, फिर उसके बाद में इलोंगेशन, ठीक। तो ये जो है स्टेप जो है हमारे तीन स्टेप में होता है, पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग और तीसरा इलोंगेशन। तो हम जो है याद कर सकते हैं ए दाई, क्या ए दाई कद का कठिन हवे, है ना, कितना टफ हो गया ए दाई बोलते हैं ना, हाँ। तो दाई जो है ये क्या है, ये आपका पीसीआर का तीन स्टेप बता रहा है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और इलोंगेशन, ठीक। अब इलोंगेशन के लिए टेम्परेचर की बात करते हैं, तो इलोंगेशन का जो है यहाँ पर टेम्परेचर 70-75 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना है, 70-75। तो देखिए 90-95 में तोड़ा, 50-70 थोड़ा कम करके हमने क्या किया, इसको जोड़ा, और जोड़ने के बाद लंबा करने के लिए फिर से टेम्परेचर 70-75 का आपका यहां पर रखा, ठीक। हाँ, अब और कोई एंजाइम सर आपको लगता है कि टेक पॉलीमरेज के अलावा, तो हाँ आजकल रिसेंटली और भी एंजाइम्स आ गए हैं, कौन कौन से, तो एक PFU एंजाइम है आपका, ठीक है, दूसरा जो है TTH थर्मस, आपका यहां पर कौन सा, थर्मस थर्मोफिलस, PFU जो है आपका पायरोकोकस फ्यूरियोसस, ठीक है, ये क्या है, पायरोकोकस फ्यूरियोसस, ठीक है, और ये थर्मस थर्मोफिलस, ठीक। हाँ, और भी एंजाइम्स हैं जिनको यूज किया जाता है, ठीक। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक बार और देख लेते हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो क्या कर रहा है, आपका डीएनए के फ्रैगमेंट का मल्टीपल कॉपी, मिलियंस ऑफ कॉपी, 3-4 बार साइकिल चल जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी 2^n के हिसाब से क्या हो रहा है, एन जो है क्या है, नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ साइकिल, तो एक साइकिल यानी कितना बनेगा, दो साइकिल मतलब कितना हो जाएगा, 2^2 यानी 4, 3 साइकिल मतलब 2^3 यानी कितने बन गए, 8, 10 साइकिल बोला तो 2^10, इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो है नंबर ऑफ साइकिल के हिसाब से आपका मल्टीपल कॉपी बनाना, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, जो रिक्वायर्ड जीन थी उस जीन के डीएनए टेम्पलेट को लिया, उस डीएनए टेम्पलेट के साथ में हमने प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपी और बफर को लेके मिक्सर बना के डाल दिया। अब इस मिक्सर को पीसीआर ट्यूब में लेके मशीन में छोड़ दिया, ठीक। मशीन के अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले ये जो सेगमेंट चलता है आपका यहाँ पर डीनेचुरेशन का चलता है, 90-95 डिग्री सेल्सियस पे आप सबसे पहले दोनों स्ट्रैंड को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में आप एनिलिंग करते हैं, एनिलिंग में आपने प्राइमर को जोड़ा, आरएनए प्राइमर जुड़ेगा 5-3 डायरेक्शन में। तो डीएनए के कौन से सेगमेंट से जुड़ता है, 3-एंड में, डीएनए के कौन से एंड में जुड़ रहा है, 3-एंड में, 5-3 डायरेक्शन में जुड़ेगा। और डीएनए पॉलीमरेज जो है, क्योंकि क्या करता है ये 5-3 डायरेक्शन में आपका डीएनए लॉन्ग या चेन बनाने का काम करेगा, ठीक। तो थर्ड स्टेप इलोंगेशन, जहां पर न्यूक्लियोटाइड के बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री आके जुड़ते जाएंगे और पॉलीमरेज क्या करेगा, इनको जोड़ के एक लंबी डीएनए की चेन बना देगा,
ठीक है। हाँ, ये जो प्रोसेस है ये आपका लगभग 1.5-2 घंटे के अंदर में है ना, एक साइकिल वगैरह चलने में आपको लग जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन यहां पर जो आता है, कई बार आपको आता है कि भाई एक डीएनए है, डीएनए को 10 साइकिल कराने में आपको यहाँ पर कितने यानी फ्रैगमेंट बनेंगे, 20 साइकिल के बाद में कितने बनेंगे। तो ये जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, उस फॉर्मूले के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ये जो है डीएनए में कितना आपका मतलब फाइनल डीएनए कितना बनेगा। ठीक है, तो ये जो है ये आप फाइनल इनिशियल इनटू 2 to the power n। ठीक, तो यहां पर जो है ये क्या है, ये एमएफ है, जो ये क्या बता रहा है, फाइनल डीएनए का नंबर, क्या है, फाइनल डीएनए नंबर, ये हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियली आपको दिया रहेगा कितना है, तो ये इनिशियल डीएनए फ्रैगमेंट। ठीक, और ये एन जो है ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ साइकिल। ठीक, तो इससे कैलकुलेट करके बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि इनिशियली आपके पास कितने थे, 5 फ्रेगमेंट थे, कितने हैं, 5 फ्रेगमेंट है, तो एम आई कितना हो गया, 5। अब बोल रहा है कि 4 साइकिल के बाद में यहां पर कितने डीएनए के फ्रेगमेंट हमारे को अवेलेबल हो जाएंगे, तो यहां पर 5 पहले थे और 2 to the power 5 यानी 5 साइकिल चली, तो आपको यहां पर कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 16 = 32। ठीक, तो ये 32 × 5 कर लोगे तो ये कितना हो गया, 160, कितना हो गया, ठीक, 160 इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से क्वेश्चन जो है हमको पूछा जाता है पीसीआर से रिलेटेड।